नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे रविवार को मिलने वाली छुट्टी के बारे में। रविवार का दिन किसे पसंद नहीं, इस दिन का इंतजार हर कोई करता है। खासकर बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन बच्चे अपना पूरा आनंद उठाते हैं, यानी कि उनके स्कूलों में छुट्टी होती है और पूरी तरह से वो मौज मस्ती में रहते हैं। लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि यह जानते होंगे कि रविवार को छुट्टी क्यों रहता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रविवार को छुट्टी देश में छुट्टी रखने के पीछे की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दिन को आराम का दिन बताया, यानी कि कहा कि आपको सप्ताह में एक दिन आराम करने की ज़रूरत है। सप्ताह भर के कार्य के बाद हर किसी को आराम चाहिए होता है। ऐसे में रविवार के दिन को लोग एक तो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, साथ ही साथ अपने कार्य को भी पूरा करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रविवार की छुट्टी को लेकर। आज हम अगर रविवार के दिन घर में बैठकर आराम से रह रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय जाता है नारायण मेघाजी लोखंडे को। बता दें कि रविवार को छुट्टी को लेकर खूब लड़ाई हुई। रविवार की छुट्टी के संघर्ष की एक पूरी कहानी है, एक पूरा इतिहास है। जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, बता दें कि उस समय मजदूरों को सप्ताह में सातों दिन काम करना पड़ता था। सप्ताह में सभी दिन ऑफिस खुला होने के कारण लोग अपने परिवार के साथ समय नहीं दे पाते थे। इससे उनके शरीर में भी आराम नहीं मिल पाता था, क्योंकि वे पूरे दिन कार्य करते थे। अंग्रेजों के समय में मजदूरों के नेता रहे नारायण मेघाजी लोखंडे ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। वह सप्ताह में कामगारों को एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी बात को ठुकरा दिया। अंग्रेजों का इस तरह से नारायण मेघाजी लोखंडे की बात को नहीं मानना उन्हें रास नहीं आया। फिर क्या था, उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया। मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए एक लंबा संघर्ष चला। बॉम्बे हैंडल्स एसोसिएशन के बैनर तले उन्होंने साल 1881 में पहली बार कारखाना संबंधी अधिनियम में बदलावों की मांग रखी और उसके बाद यह एक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाइयाँ लड़ी और करीब 7 सालों तक यह संघर्ष जो है चलता रहा। लेकिन आखिर में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और जून यानी कि 10 जून 1890 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सप्ताह में किसी दिन यानी कि रविवार को छुट्टी को लेकर आखिरी निर्णय मान्य हुआ। अंग्रेजों के साथ चल रही उनकी लड़ाई के बीच में उन्होंने जो मांग रखी थी उसमें रविवार को छुट्टी का जिक्र था, दोपहर में भोजन के दौरान छुट्टी मिल सके इसका जिक्र था, काम करने के शिफ्ट तय होने चाहिए यानी कि कौन कितनी देर काम करेगा इसकी जो है एक तय समय सीमा होने की बात कही गई थी। अगर कार्य करने के दौरान किसी तरह की घटना होती है तो कामगार को वेतन के साथ छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर दुर्घटना में कोई कामगार की जान चली जाती है तो ऐसे में आश्रितों को पेंशन मिलना चाहिए। बाद के समय में जब अंग्रेजी हुकूमत ने इस बात को माना तो उसमें रविवार की छुट्टी के साथ साथ एक तरह से कह लें कि दोपहर में आधे घंटे का जो समय खाने के लिए मिलता है वो छुट्टी उसमें तय की गई। समय के साथ नियमों में बदलाव होता रहा, जैसे कि आज हम बैंकों के कार्य प्रणाली में देखते हैं जिसमें कि शनिवार और रविवार दो दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दिन के कार्य अवधि को भी बदलने की बात कही गई है। लेकिन रविवार की छुट्टी का श्रेय नारायण मेघाजी लोखंडे को जाता है, जिन्हें मजदूरों के काम करने के तरीके और उनके बदलाव में को लेकर जो है एक पूरी लड़ाई लड़ी और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दिलाई, ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके और उनके जो है शारीरिक रूप से वो भी कुछ आराम कर सके। तो ऐसे में यह पूरी कहानी जो है 18वीं शताब्दी से शुरू होती है, यानी कि 1890 का वो साल था जब रविवार को छुट्टी की शुरुआत हुई। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।